आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति के बैनर तले राज कच्छप के नेतृत्व में आज नामकुम अंचल का घेराव किया गया। यहां व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर विभिन्न नारे लगाए गए। वीडियो सीओ काम सही ढंग से करें, राजस्व कर्मचारी अपनी मनमानी ना करें, इसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित जनाक्रोश रैली निकाला और सीओ कार्यालय का। जब यह जनाक्रोश रैली के रूप में अंचल कार्यालय पहुंचा तो यहां पुलिसकर्मियों ने अंचल कार्यालय का दरवाज़ा, जिसको मेन गेट कहते हैं, वो बंद कर दिया गया और इन्हें दरवाजे के पास ही रोक दिया गया। यह दरवाज़ा बंद है और यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हमने इसकी सूचना पहले भी दे दी है और जब मैं आया तो यहाँ पे दरवाज़ा यह बंद किया जा रहा है। हाँ, क्या आक्रोश रैली निकालने का क्या कारण है? आज ऊपर देखिए, आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति के द्वारा, रांची के द्वारा आज तमाम क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों के द्वारा आज आक्रोश रैली निकाला गया है, क्योंकि आज हमारा जो जल जंगल जमीन है आज वो कहीं ना कहीं खतरे में है। आज जो नामकुम ब्लॉक है उसमें भ्रष्टाचार का जो कारवा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं आज हम लोग के जो तमाम गांव के लोग हैं उनको बहुत परेशानी होती है। वो ब्लॉक में आके महीना दो महीना यहाँ दौड़ लगाते हैं, उसके बाद में भी तमाम अधिकारियों के द्वारा में उसका काम को रोका जाता है। और साथ ही जो पंजी टू है उसके साथ में भी खिलवाड़ किया जाता है और जितना भी जमीन है आज उसको कहीं ना कहीं गिरो रकबा में किया जा रहा है। और ये एक तरफ से साजिश है, चूंकि जल जंगल जमीन जो हमारा है आज उसी के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। जब भी कोई काम के लिए ग्रामीण यहाँ पे आते हैं तो उनके कामों को करने के लिए उसके काम को पहले रोका जाता है और जब काम को कराने के लिए आते हैं तो उससे रिश्वत के तौर पे पैसा भी लिया जाता है, जबकि सरकार उसे ऑलरेडी उसका वेतन है, सरकार उसे देती है, फिर भी वो तमाम लोगों से आज जो है रिश्वत लेते हुए पैसा की मांग करते हैं, जो कि गैरकानूनी है। इस पर सरकार जल्द से जल्द इस पर कदम उठाएंगे और हम लोग जो आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति आज यहाँ पे जमा हुए हैं, आज ब्लॉक का घेराव किए हैं, कहीं ना कहीं आज हमारे हक और अधिकार के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे हक अधिकार का हनन किया जा रहा है। आज तमाम जो जाति आवासीय का जो प्रमाण पत्र है, आज राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, वो भी बहुत किसी का नहीं बना है, अभी तक उसमें भी रुकावट है, उसके लिए भी आज यहाँ पैसा लिया जाता है, घूस लिया जाता है। आज हम जो सरकार को अपने तरफ से जो कर देते हैं, टैक्स देते हैं, वही पैसा सरकार के तरफ से जाता है और तमाम ऐसे अधिकारी जो हमारे इस ब्लॉक में बैठते हैं, जो हमारे सेवा के लिए बैठते हैं, कहीं ना कहीं वो पब्लिक सर्वेंट है और उसे पब्लिक का काम करना होगा और घुसखोरी बंद करना होगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राज कच्छप हुआ और मैं उदाना से हूँ और एक समाज सेवी हूँ। जन आक्रोश रैली निकाला गया है, यहाँ की जनता प्रखंड अंचल से बहुत परेशान है, कुछ भी काम होता है बिना पैसा लिए नहीं करता है। छोटा सा छोटा प्लॉट चढ़ाना हो, दाखिल खारिज करना हो, जाति आवासीय बनाना हो, राशन कार्ड में नाम जोड़ना हो, सब में लोग पैसा डिमांड करता है। अब बिना पैसा कुछ काम नहीं होता है, जिसके कारण आज जो आक्रोश रैली निकाले हम लोग, जनता यहाँ पर अगर इसमें सुधार नहीं करती है, प्रखंड पदाधिकारी हो या अंचल के पदाधिकारी हो, तो आने वाला दिन हम लोग यहाँ काम होने भी नहीं देंगे, ताला बंद कर देंगे पूरा प्रखंड। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय प्रकाश लकड़ा हुआ, आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति के अध्यक्ष। क्या समस्या है, क्या लेकर के आए? समस्या हम लोग का यहाँ प्रखंड में अंचल में जनता का बहुत समस्या है, एक से नहीं अनेक, इसका कहानी सुनाना बताना भी थोड़ा कम हो जाएगा। जाति आवश्यक छोटा छोटा चीज इन लोग लटका के रखता है और रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने का
मतलब क्या है, इन लोग कोई रीजन नहीं देता है। दूसरा चीज, रिजेक्ट करने से आवेदक को बहुत नुकसान होती है। रिजेक्ट करने का कारण बताने के लिए फॉर्म में मोबाइल नंबर दिया जाता है, लेकिन बिना सूचित किए उन लोग रिजेक्ट करता है। ये क्या कारण है? कारण बताने के लिए मोबाइल नंबर दिया जाता है फॉर्म में, लेकिन इसको ना बता करके चुपचाप से लोग मनमानी करके रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद पुनः उन लोग को आवेदन फिर दिलाता है, बोलता है कि और आवेदन दीजिए। उसमें क्या लगता है? पैसा लगता है, समय लगता है। इस गरीब लोग जंगल झाड़ से दूर से अपना काम के लिए आता है और यहाँ तो सरकार तो जंगले झाड़ वाला का है, जंगले झाड़ वाला का इन लोग मालिक नहीं है। मालिक तो हम लोग जनता लोग है। जनता के लिए थाना है, जनता के लिए गेट बंद कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जिला है, गेट बंद कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? गेट बंद कर दिया है, काहे के लिए बंद किया है? इनका कोई आकर के हम लोग को रिपोर्ट दे, काहे बंद किया? इन लोग को पहले ही सूचना दिया गया था कि अमुक तारीख को हम लोग घेराव करेंगे, आपसे बात विचार करेंगे। हम लोग का काम धंधा में बहुत बाधा हो रहा है, बहुत तरह का चीज हो रहा है, खतियान में छेड़छाड़ हो रहा है। पंजी टू में अपना परिचय दे दीजिए। हम मदन टूटी, झारखंड का समाज सुवी एजेंट के थ्रू लोग से काला तक कहवाता है कि 20,000 रुपया दो, डिसमिल में 20,000 रुपया दो, तब हम म्यूटेशन करेंगे, तब हम परमिशन करेंगे। इस तरह से खुले आम यहाँ का सहयोग पैसा का डिमांड करता है, जो अत्यंत ही दुख का बात है।